हेलो जी, राम राम भाई। सभी को कैसे हो सभी? तो साथियों, अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूला तैयार किया है जो कि वजन को घटाने के लिए, यानी मोटापे को घटाने के लिए 2-3 मरीजों की दवाई तैयार की है। ये हमने बना दिया है। अभी इसको तैयार करने के बाद एक फार्मूला और तैयार कर रहे हैं जो कि वजन बढ़ाने के लिए है। अजीब विडंबना है, कोई वजन घटा रहा है, कोई वजन बढ़ा रहा है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि वजन को घटाने के लिए कामयाब है, वजन को बढ़ाने के लिए भी। ऐसी ऐसी औषधियाँ आयुर्वेद में हैं जो कि बहुत ही कामयाब भी है। तो देखिए, पूरा फार्मूला आपके सामने है। जो भी साथी दुबले हैं, पतले हैं, कमज़ोर हैं, शारीरिक दुर्बलता है, जितना भी खाते हैं उनको शरीर को नहीं लगता, खाया पिया अच्छे से नहीं पचता, घात गिरती है, उन सभी में ये फार्मूला 100% काम करता है और प्योर आयुर्वेदिक है। किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट इस फार्मूले में नहीं है और जितनी भी हमने चीज़ें देखी, काफ़ी हद तक इसमें साबुत चीज़ें ली हैं। क्योंकि तो आयुर्वेद में आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड होने लगा है, नकली दवाइयाँ, नकली औषधियाँ मार्केट में बहुत ही ज़्यादा आ चुकी है। तो हम जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है, औषधियों को साबुत लाकर अपने घर पर ही उनको बारीक पीसते हैं। थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा लगती है, लेकिन जो ओरिजिनलिटी होती है वो बरकरार रहती है और फायदा भी 100% उसका मिलता है। तो देखिए, वजन को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिसमें हमने देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता भी देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, विदारी कंद। विदारी एक बेल होती है, बेल की जो जड़ होती है ना, उसके कंद होता है ये सूखा हुआ रूप, ये हमने इसमें लिया है। सफ़ेद मौसरी ली है, आंवला हमने साबुत लिया है, और आयुर्वेद में वजन बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा की जो जड़ होती है वो हमने इसके अंदर ली है। उसके बाद सतावर का पाउडर लिया है, सतावर हमने पहले ही पीस के रख रखी है इकट्ठी, तो इसका पाउडर हमने ले लिया है। मुलेठी चूर्ण हमने इसके अंदर लिया है, साथ में धागे वाली मिश्री ली है, साथ में बरगद का दूध दूध ली हमने लिया है, मुक्ता पिष्टी ली है, इसमें हमने अकीक पिष्टी ली है, प्रवाल पिष्टी ली है, और एक पाउडर हमारे पास और भी है, ये वाला भी हम इसी के अंदर मिलाने वाले हैं। तो इस प्रकार से मरीज की तासीर को देखकर, मरीज की परेशानी को देखकर, बीमारी को देखकर, उसी हिसाब से हम इस अनुपान को लिया है। किसी में हम कितनी भस्म डालनी है, कितनी औषधि लेनी है, वो एक हर पेशेंट का अलग अलग डायग्नोज होता है, उसी के हिसाब से फार्मूलेशन तैयार किया जाता है। तो कोई भी साथी इस फार्मूले को देख रहा है, घर पर बनाने की कोशिश अगर कर रहा है, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोई कुशल वैद्य या कुशल चिकित्सक के सानिध्य में आप इस फार्मूले को तैयार करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कई बार आयुर्वेदा जो फार्मूले होते हैं वो फायदे की जगह नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पेशेंट को डायग्नोज करके इसके हिसाब से हम ये फार्मूला तैयार करते हैं। अगर आपको भी ये फार्मूला, वजन बढ़ाने का फार्मूला तैयार करवाना, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है ना, उस पर हमसे बात करके अपने घर पर बैठे इस फार्मूले को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले भी हम कर कह रहे हैं, हमारे पास अमामदस्ता है। पहले जितने भी साबुत औषधियाँ हैं उनको बारीक जो कूट करेंगे, फिर मिक्सी के अंदर ग्राइंड करके, फिर बारीक पाउडर बनाएंगे, फिर ये सारी भस्में जो वगैरह है वो सारी मिला करके फिर इसमें तैयार करेंगे। तो एक बार इसको सभी को कूट पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। अभी साथियों देखिए, वजन बढ़ाने वाली दवाई बनकर तैयार हो चुकी है। सारी भस्में जो है और सारी सामग्रियां बिल्कुल बारीक पीस ली हमने, और ये अच्छे से एक जान कर देंगे इसको भी, और लगभग 1 महीने की दवाई बनकर तैयार हो चुकी है। प्योर आयुर्वेदिक है, कोई भी इसमें स्टेरॉइड वगैरह कोई ऐसा इसमें वो नहीं मिलाया गया है जो शरीर के लिए हानिकारक हो। प्योर आयुर्वेदिक है और इसकी सेवन विधि रहेगी, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, खाना खाने के 1 घंटे बाद, दूध के साथ। दूध चाहे गाय का हो या भैंस का हो, दोनों प्रकार का दूध अच्छे से सुटेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने की दवाई ये बन गई है, और इसमें साथ में आपको परहेज वही रहेंगे, ज़्यादा खटाई तली हुई चीज़ें, ज़्यादा फास्ट फूड जंक फूड का सेवन नहीं करना है, फैट वाली चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, दूध का इस्तेमाल करें, दही खाएं, लस्सी पिए, और केला ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, फल फ्रूट हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, प्रोटीन वाली चीज़ें
फैट वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाने का प्रयास करें, साथ में योग व्यायाम एक्सरसाइज का भी अभ्यास रोज़ाना करें। और अगर आप भी इस फार्मूले को तैयार करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप हमसे संपर्क करके हमसे फार्मूला बनवा सकते हो। और इस फार्मूले की जो कीमत रहेगी वो रहेगी 1500 रुपये, साथ में कोरियर चार्ज एक्स्ट्रा रहेगा जहाँ भी आप मंगवाना चाहते हो उसका, ठीक है। तो आप संपर्क करके हमसे इस फार्मूले को तैयार करवा सकते हो। धन्यवाद।